परीक्षा विभाग के चार स्तंभ होते हैं, सेक्शंस होते हैं, कंडक्ट, इवेल्युएशन, सीक्रेसी और एक होता है रिजल्ट सेक्शन या ईडीपी सेक्शन। एक नया इवेल्युएशन सेंटर बनाया गया जिसमें 200 अध्यापक एक साथ बैठ के कॉपी जांच सकते हैं। सीक्रेसी सेंटर है जहां क्वेश्चन पेपर को हम प्रिंट करते हैं। ये जो हमारे पास 5 सेक्शन है, पूरा का पूरा एग्जाम विभाग इसी फ्लोर पर, 3rd फ्लोर पर है। इट इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट एंड क्लीनेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। हमारा जो कार्य करने की शैली है एग्जाम ब्रांच में, जो फ्लो ऑफ प्रोसेस है जो हम अपनाते हैं, वो एज़ पर यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंसेज एंड रेगुलेशंस के अनुसार है। उसी के अनुसार हम उसको पूरा फॉलो करते हैं। हम सब जानते हैं परीक्षा विभाग के कार्य रिपीटेड नेचर का होता है। एक एक्टिविटी शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज होती है जो एक सेमेस्टर तक चलती है, सेमेस्टर समाप्त होता है, फिर नया सेमेस्टर समाप्त होता है, गतिविधियाँ वही रिपीट होती रहती हैं। तो जो जो गतिविधियाँ हमको करनी होती हैं उस सबको हमने चार्ट डाउन किया, एक प्रॉपर एक्टिविटी का शेड्यूल बनाया। कब कब उसमें ये दिया हुआ है कब कौन सी गतिविधि आरंभ होनी है, किसने आरंभ करनी है और किसने उस गतिविधि का रिस्पॉन्ड करना है। वो जो चार्ट है इस विभाग के हर कर्मचारी, हर अधिकारी की टेबल पे मौजूद है। उसको कभी भूलने की संभावना ही नहीं है कि वो कि गतिविधि समय पर चालू ना हो। हम सब जानते हैं परीक्षा एक टाइम बाउंड नेचर का काम है, जिसमें कुछ भी हो परीक्षा जिस तिथि पर नियत है वो होनी ही होनी है, और साथ साथ उसकी सैंक्टिटी और सीक्रेसी बनाए के रखनी है। वो हमने पूरा प्रयास किया और हम मैं अपने कलीग्स को धन्यवाद देता हूँ कि हम उसमें सफल रहे। किसी विश्वविद्यालय बोर्ड या स्कूल का मेन कार्य होता है कि रिजल्ट बच्चों का परीक्षा देते हैं। रिजल्ट हम हर कोई अपेक्षा करता है, चाहे अभिभावक हों, छात्र हों, अध्यापक हों और सोसाइटी हों, कि रिजल्ट समय पर आए। हमने भरपूर प्रयास किया। पहले जो रिजल्ट 30 से 35 दिनों में निकल पाते थे, हम उसको 15 से 17 दिनों में निकालने में सफल रहे। DTU ने रिसर्च को बढ़ावा दिया, स्कीम चलाई प्रोत्साहन करने के लिए छात्रों का, टीचर्स का, कि वो रिसर्च अधिक से अधिक करें। 2017 में जहां हमारे पास 52 PhD छात्र ग्रेजुएट किए, PhD डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, 2023 में संख्या उछल कर हम लेके गए 147 तक। इसमें परीक्षा विभाग का क्या रोल है कि उनके जो थीसिस सबमिट होती है उसका इवेल्युएशन, जितना जल्दी इवेल्युएशन होगा उतनी जल्दी हम आगे गतिविधियाँ उसकी प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे और छात्रों को डिग्री दे सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे सब स्टाफ का, मेरे कलीग्स का, जिन्होंने इस भरपूर साथ दिया। और यूनिवर्सिटी के एक मोटो था कि हम रिसर्च को बढ़ाएं, PhD बढ़ाएं, हम बढ़ा पाए। वीडिंग आउट ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर परीक्षा विभाग में। हर साल हर सेमेस्टर में लगभग 70,000 से 80,000 आंसर बुक्स मिड टर्म की होती हैं, 70,000 से 80,000 एंड टर्म की होती हैं, मतलब एक साल में 75,000 × 4 3,00,000 कॉपी इकट्ठी होती है। और हम सब जानते हैं स्पेस की स्कैरसिटी हमेशा रहती है, इसलिए हमने प्रक्रिया अपनाई कि जो विश्वविद्यालय के वीडिंग आउट के रूल्स हैं उनको हमने अक्षरशः फॉलो किया, जिससे कि रेगुलर स्तर पर वीड आउट होता रहे और स्पेस की समस्या ना आए, और हम उसको करते रहे। बहुत रिक्रूटमेंट के टेस्ट किए लेक्चरर्स के, जिनको हम अब असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के एडमिशन टेस्ट किए हमने, PhDs के, BTech लेटरल एंट्री के और कुछ प्रोग्राम्स के, उसमें हम बढ़िया हमने करा। और हमें एक स्पेशलिटी रही है इसमें, चाहे रिक्रूटमेंट का टेस्ट हो या एडमिशन टेस्ट हो, जिस दिन परीक्षा समाप्त होती है उसी दिन हम उसका नतीजा घोषित कर देते हैं। ये एक अचीवमेंट है जो अधिकतर, क्या हम सब जानते हैं कि रिक्रूटमेंट में लोग शक करते हैं कि टेस्ट का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ चल रही है। तो उन सबको दूर करने के लिए हमने ये प्रयास किया और सफल प्रयास किया। जिस दिन एडमिशन टेस्ट होता था उसके कुछ घंटों बाद ही हमने परीक्षा के नतीजे घोषित किए, और ये अच्छा साइन है। मैं चाहता हूँ हर संस्था इसको ऐसे करे। डेफिनेटली बहुत जगहों पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ये संभव नहीं है, पर मिनिमम टाइम में करने का प्रयास करें। स्टूडेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मॉड्यूल जो था ERP सिस्टम का, जो उसमें स्टूडेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम को हमने अक्षरशः लागू किया, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट टिल अवार्ड ऑफ डिग्री। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ DTU का केवल एक विभाग एग्जामिनेशन जिसने कि इसको पूरा फॉलो किया और उसको लागू किया। पिछले दिनों देश में समर्थ नाम का पोर्टल आया है, सारी गतिविधियाँ एजुकेशन की, रजिस्ट्रेशन की, कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम की, रिजल्ट डिक्लेरेशन की, डिग्री अवार्ड करने की, समर्थ पे जा रहा है। और इस साल से हमने उसको अपनाया है और उसकी आरंभिक स्थिति है, और इस सेमेस्टर ख़त्म होने तक, जो इवन सेमेस्टर चल रहा है, हम उसको पूरा लागू कर देंगे। क्वालिटी हमने इम्प्लीमेंट की। सबसे बड़े हम जानते हैं छात्र लिखते हैं अच्छे से, अच्छा लिखते हैं, पर क्वेश्चन पेपर कैसा, तो हमने क्वेश्चन पेपर की, अच्छे क्वेश्चन पेपर गाइडलाइन बनाई इन लाइन विद रिक्वायरमेंट ऑफ NBA या NAC, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया।
और उसको समय समय पे अध्यापकों से निवेदन किया कि इस गाइडलाइन के अनुसार पेपर बनाएं और उनका ऑडिट कराते हैं और सेमेस्टर दर सेमेस्टर इसमें इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। एक और चीज़ आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान है कि एक छात्र पढ़ाई के बीच में ही जा अपने यहाँ एक संस्था छोड़ के दूसरे संस्था में ज्वाइन कर सकता है, एक यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी में ज्वाइन कर सकता है। उसमें उसके जो जितनी पढ़ाई उसने कर ली है, पहले क्या होता था कि मैंने एक साल कहीं पढ़ लिया, नई जगह गया तो मुझे शुरू से दाखिला लेना पड़ता था, सारी पढ़ाई शुरू से करनी पड़ती थी। तो अब NEP में मल्टीपल एग्जिट्स और एंट्री का प्रावधान है, कोई छात्र एक साल यहाँ पढ़ के जाता है दूसरे विश्वविद्यालय में तो उसके जो क्रेडिट जिसने अर्न किए वो दूसरे विश्वविद्यालय उसको कंसिडर करता है और उसका अकाउंट फॉर करता है। इसके लिए एक संस्था बनाई गई है NEP, एक प्रोविजन है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जो कि डिजी लॉकर पर सारा रिकॉर्ड उपलब्ध है। गर्व से कह सकता हूँ कि DTU उस पर रजिस्टर्ड है, छात्रों का रिकॉर्ड सारा उसमें डाल दिया गया है और आने वाले वर्षों जैसे जैसे छात्रों में रजिस्टर्ड करते जाएंगे वो चीज़ें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। ये और फायदा कराएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। एक छात्र यहाँ से पास करता है, BTech करता है, BBA करता है, MTech करता है, फिर वो नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ से उसका वेरिफिकेशन आता है हमारे पास। इसको भी हम ऑनलाइन जल्दी करने जा रहे हैं। ये मैंने कुछ बातें बताई जो हम कर पाए। मार्कशीट डिग्री जो हमने देते हैं उसमें सिक्योरिटी फीचर बहुत एम्बेडेड है, छात्र का नाम तो है ही, उसकी फ़ोटो भी हम 2019 से ही डाल रहे हैं जो कि UGC की एक रिक्वायरमेंट थी। अब छात्र अध्यापकों के बारे में क्या कहते हैं, इसलिए हमने फीडबैक सिस्टम चालू किया। जब एंड सेमेस्टर की परीक्षा होती है उससे पहले छात्रों से फीडबैक लिया जाता है हर कोर्स का जो पढ़ा है, उसमें 10 अलग अलग माप हैं जिन पर उसको नापा जाता है, ग्रेडिंग करता है छात्र, 1 से 10 तक नंबर देता है, वो हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और जो फीडबैक हमें प्राप्त होता है हम उसको HODs को देते हैं, वो आगे उसको अपने टीचर को बताते हैं और उस पर कार्रवाई होती है और इम्प्रूवमेंट होती है। ये तो रहा जो अब तक कर पाए। अब अगले 3 वर्षों में हमने भी टारगेट रखे हुए हैं कि रिजल्ट्स को हम 10 दिन के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो 10 दिन का टारगेट एग्जाम विभाग चाहता है कि जल्दी जल्दी अचीव करें। आने वाले समय में जैसा DTU में एक्सपेंशन हुआ है, कुछ और भी होगा, ये उम्मीद है कि छात्र 25,000 तक पहुँचेंगे, तो एग्जामिनेशन सिस्टम उसको अपने आप तैयार कर रहा है और कर रहा है, कर लेगा, मुझे पूरा विश्वास है 25,000 के 30,000 स्टूडेंट को केटर कर पाएगा।